Can we start? Yes! <clears throat> are we live now? Is everything okay? Light, camera, action? Hello, hello, hello. Mic testing, mic testing, mic testing. Is everything okay? Wow, okay. Now the it's are being. Yeah. Good evening, good evening, everyone. Uh, इसका वॉल्यूम मुझे लैपटॉप का कैसे करना होगा वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दी एनर्जेडी पीपल मैं जय सिंह स्वागत करता हूँ आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है फिट एंड फाइन होंगे तो चलिए मजे के साथ आज के इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑलर्जेटिक जो सेशन है आपने देखा है कि भाई डेली रूटीन में जो इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं है और कैसे उसमें कम्युनिकेट करते हैं उस पर बेस्ट आज का कॉन्टेंट है तो आज मैं आपको जो चीजें पढ़ाने वाला हूं उसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट विद एनी वन कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है और कैसे हमें कॉन्फिडेंटली बोलना है इस पर आज हम डिस्कस करेंगे तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आप सभी के लिए सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन सेशन सो बेसिकली आज चूंकि अगर हम लाइव क्लासेस की बात करें तो इज द दिफ्टींथ डे है ना और बाकी में तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाला है तो देखो सबसे पहले शुरुआत जो ना इंग्लिश बोलने के लिए कैसे की जाती है आप इंग्लिश में किसी को भी ऑर्डर दे रहे हो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एडवाइस दे रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो वार्निंग दे रहे हो या किसी प्रकार से भी कोई चीज को कमांड कर रहे हो तो याद रखिएगा इन सारी चीजों के लिए एक ही सिचुएशन यूज होती है दैट्स कॉल इंपेरेटिव सेंटेंसेस यस स्टूडेंट्स है ना अगर इंग्लिश बोलना शुरू करना है ना सो द फर्स्ट एंड द बेस्ट वे दैट कैन दैट कैन हेल्प यू टू स्टार्ट इंग्लिश फ्रॉम नाउ इज ओनली इन सेंटेंस अभी से अभी से बोलना शुरू कर सकते हो देखो कैसे करना क्या है एक्चुअली आपको जिसे मैंने कहा कि सबसे पहले सोचो अब सोचने को क्या कहते हैं इंग्लिश में ये एक वब है इसकी वब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है थिंक तो जब आप किसी से कहते हो सोचो तो आपको इंग्लिश में कहना होता है थिंक जो आप कहते हो अपने बारे में सोचो अपने बारे में सोचो तो कहा जाता है थिंक अबाउट योर सेल्फ थिंक अबाउट योर सेल्व ठीक है अब आप कहोगे सर योर सेल्फ क्यों हुआ माई सेल्फ क्यों नहीं हो क्योंकि अपने का मतलब तो हमको पता नहीं किसके बारे में बात हो रही हमेशा याद रखे जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आर ऑलवेज यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन यू What I said, मैंने कहा जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऑल देंटेंड फोर सेकेंड पर्सन यू इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बातचीत में इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपने बोला है सो इट वुड बी यूज ओनली फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेज यू इट वुड बी यूज ओनली फॉर पर्सन सेकंड पर्सन यू तो आप जब किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे वार्निंग दे ऑर्डर दे एडवाइस दे सजेस्ट करे कमांड करे तो वहां पर आपको जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करना होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो एवरी चलो अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन सेशन को लाइक बहुत कम लोगों ने किया है सो आई इंसिस्ट टू ऑल कि भाई जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन को फटाफट फटाफट लाइक करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में ताकि ज्यादा ज्यादा से लोग सेशन से जुड़ जाएं और इस सेशन का पूरा का पूरा फायदा देखिए मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसको समझे आप कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस सेकंड पर्सन यू के लिए उपयोग होता है और जब भी आप किसी का है, सोचो तो आप कहोगे थिंक अपने बारे में सोचो थिंक अबाउट योर अपनी फैमिली के बारे में सोचो क्या बोलेंगे हम बताओ थिंक अबाउट योर फैमिली ठीक है अपने करियर के बारे में सोचो थिंक अबाउट योर करियर अपने दोस्तों के बारे में सोचो थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स कुछ नया करो डू समथिंग कुछ नया बोलो स्पीक समथिंग कुछ नया सोचो थिंक समथिंग न्यू बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है बोलचाल में अगर आपको इस पर कमांड करनी है ना तो सिंपल सा फंडा है जो आपको अप्लाई करना होगा देखिए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा याद रखना मेन वॉक से करनी होती है इसी मेन वॉक के साथ में आप पॉजिटिव वॉप भी एड कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा कैसे दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस आपका होता है डोंट प्लस वीमन प्लस तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप एडवर्ब नेवर और ऑलवेज को यूज कर सकते हो ठीक है आप चाहे तो इसमें एक सेल्डम भी यूज कर सकते हो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी ऐसे ही ऑफन भी कर सकते हो आप इसके बाद में एक होता है आपका ये वाला लेट्स वी वन प्लस ऑब्जेक्ट तो ये चार के अलावा अब जितने भी आप बनाते हो ना वो सब फिर कॉज़ेटिव वर्ब से बनते हैं तो इसमें आप किसी को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दो सिंपली वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है मैंने कहा जाओ आपको मेरे साथ बोलना है गो बोलो स्पीक मेरे साथ बोलो स्पीक विथ मी अपने दोस्तों के साथ बोलो स्पीक विथ योर फ्रेंड्स कुछ नया सीखो लर्न समथिंग न्यू कुछ नया बोलो स्पीक समथिंग न्यू कुछ नया करो डू समथिंग ठीक है मेरे साथ बोलना है आप सभी को जस्ट अ सेकेंड एवरी वन जस्ट अ सेकेंड अरे यार मुझे ना एक्चुअल में ये थोड़ा सा ट्राईपोर्ट को यहां रखा यार आई एम नॉट एंजॉइंग द सेशन एक्चुअली मुझे पता नहीं है ना कि कितने हैं डोंट गेट टू नो या दिस विज ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा मेरे लिए ओके सो चलिए

जब आप किसी को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे अगर वो वर्ब आपकी ऐसी है जिसकी शुरुआत अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको कहना होगा मैंने कहा भाई वहां जाइए तो आप इंग्लिश में कहेंगे गो देयर मैंने कहा यहां आइए तो इंग्लिश में आप कहेंगे कम ही मैंने कहा ध्यान से सुनिए तो इंग्लिश में आप कहेंगे लिसन केयरफुली मैंने कहा ध्यान से बोलिए तो इंग्लिश में कहेंगे ध्यान से बोलिए के, के लिए इंग्लिश में क्या यूज होगा स्पीक केयरफुली है ना तो इस तरीके से ये सारा का सारा सेशन होता है हिंदी और इंग्लिश में अंतर देखो मैंने कहा बोलो तो क्या होता है स्पीक अब मैंने कहा इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश में होता है स्पीक इंग्लिश अब देखिए कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है मैंने कहा ध्यान से इंग्लिश बोलो तो ध्यान से इंग्लिश बोलो में सबसे पहले बोलो आएगा उसके बाद इंग्लिश आएगा उसके बाद ध्यान से आएगा ओके okay. आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है ध्यान से शुरू हो रहा है हिंदी में फिर आ रहा है इंग्लिश और फिर आ रहा है बोलो लेकिन इंग्लिश में जब आप इसे बना रहे हैं तो आप शुरुआत जहां हिंदी में लास्ट में जा रहा है उससे कर रहे हो सो दैट यू कैन से दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश आप हिंदी में क्या करते हो एडवर्ब को पहले फिर ऑब्जेक्ट को पहले फिर वॉप को बोलते हो बट इन इंग्लिश आप सबसे पहले वॉप को बोल रहे हो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं जहां सब्जेक्ट नहीं होगा वहां सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट प्रेडिकेट से होगी और कोई भी प्रेडिकेट याद रखना और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है अब जब इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट किसके लिए अंडरस्टूड मान लिया हमने यू को मान लिया इसके अंदर जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं सब में यू छुपा होता है इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता अगर कोई आपसे पूछे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट uh, क्यों नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट बॉक्स में क्यों शुरू होता है तो आप फ्रेंकली कह सकते हैं uh, अगर यूज करना भी है तो आपको ऐसा करना होगा यू गो देर यू गो देर जिसका मतलब होगा तुम वहां जाओ यू कमर तुम यहां आओ जैसे दो लोग वहां खड़े हैं और दोनों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपको देना तो आप कहेंगे यू मिस्टर रेड शर्ट कॉम एंड यू मिस्टर ब्लैक शर्ट गो यू मिस्टर येलो शर्ट जस्ट टॉक टू हिम यू नो तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको चार पांच लोग दिए वो सभी आपके लिए सेकंड पर्सन यू हो जाएंगे सबको आप यू कर, कर, कर अलग अलग इंडिविजुअली बोल सकते हो ऐसा करके चलो मैंने कहा मान लो वहां पर दो लड़कियां खड़ी है आपको दोनों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना है एक का नाम रीना है एक का नाम सीना है तो आपको नाम नहीं उनके बता दो तो आप क्या कहोगे हेलो यू जस्ट हेल्प हिम एंड यू जस्ट कम टू मी सो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देकर जो है उनसे कम्युनिकेट करते हो सो दिसा का सारा जो है सेशन आपको थोड़ा समझना होगा अब होता क्या है भाई इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअल में स्टूडेंट को समझ में इस वजह से भी नहीं आता क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकली लर्न ही नहीं करना चाहता आप सबसे पहले तो समझो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिनमें आप किसी को क्या दे रहे हो जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसी को एडवाइस दे रहे हो किसी को सजेस्ट कर रहे हो किसी को वार्निंग दे रहे हो किसी को कमांड कर रहे हो इन सारी चीजों के लिए फॉर ऑल वी यूज सो सेंटेंटिव सेंटेंस को दिमाग में रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करोगे तो आपको कम्युनिकेट करते वक्त वॉप से शुरुआत डायरेक्ट कर देनी है मैंने कहा बोलो जितना बोल सकते हो क्या कहेंगे बोलो जितना बोल सकते हो स्पीक एज मच यू कैन स्पीक एज मच यू कैन बोलो जितना आप बोल सकते हो जितना के लिए हमने इंग्लिश में क्या यूज किया एज मच यू कैन मतलब आप बोल सकते हो मेरे कहा लिखो जितना आप लिख सकते हो बताइए इंग्लिश में क्या होगा राइट एज मच यू कैन सुनो जितना आप सुन सकते हो लिसन एज मच यू कैन समझो जितना आप समझ सकते हो अंडरस्टैंड एज मच यू कैन सो दिस इज द वे टू स्पीक इंपेरेटिव सेंटेंस कहीं से भी शुरू हो जाता है देखो ये सेंटेंस सेंटेंस लगा है बीच में एज मच लगाकर एक आपने सिंपल यहां एड कर दिया सो बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस कहीं भी किसी के साथ भी फिक्स कर सकते हो मैंने कहा उसकी मदद करो वरना वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा अब देखो यहां पर हेल्प हिम अदरवाइज विल नॉट हेल्प यू अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो आप क्या बोल रहा है ये सेंटेंस हेल्प हिम अदरवाइज ही विल नॉट हेल्प यू इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया आप उसकी मदद करो वरना ही विल नॉट हेल्प यू वो आपकी मदद नहीं करेगा इन शॉर्ट आपको ये देखना होगा कि भाई अदरवाइज जो है वो किस तरीके से किस बेसिस पे यूज हो रहा है ठीक है ना आप जब इस तरीके से इस बेसिस पर इस चीज को समझोगे देन थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजी थिंग्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगी आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं लाइफ में तो हेल्प हिम अदरवाइज ही विल नॉट हेल्प यू मदद करो वर्ना वो आपकी मदद ही करेगा ध्यान से सुनो वर्ना आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहेंगे हम बोलिए लिसन केयरफुली वरना आपको समझ में नहीं आएगा अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड कमॉन लिसन केयरफुली अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड ध्यान से सुनो वरना आपको समझ में नहीं आएगा लिसन केयरफुली अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड बोलो नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे स्पीक अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक दिस इज द वे टू प्रैक्टिस dear students। ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और जब इस वे में आप प्रैक्टिस करोगे ना देन थिंग इज गोइंग टू टॉप फॉर यू सो यह आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया इसके बाद जब आप इसमें कोई काम करने के लिए किसी को मना कर देना तो वहां पर आप इसमें लगा दिया करो डों ने कहा मत सुनो डोंट लिसन मत बोलो डोंट स्पीक मत करो डोंट डू दिस मत वहां जाओ डोन्ट गो दियर मत उसकी मदद करो डोंट हेल्प हिम मत बोलो ज्यादा डोट स्पीक मच अगर यदि आपको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है तो ज्यादा मत बोलो इफ यू डोंट लाइक टू स्पीक मच डोट स्पीक मच मत सुनो डोंट लिसन मत गाओ डोंट सिंग अगर आपको थॉट में कुछ प्रॉब्लम है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर थॉट दैन डोंट सिंग डोंट सिंग डोंट सिंग मतलब मत गाओ डोंट गो देयर मतलब मत जाओ डोंट लिसन मतलब मत सुनो डोंट अंडरस्टैंड मतलब मत समझो और मैंने कहा समझो अंडरस्टैंड मत समझो डोंट अंडरस्टैंड वहां जाओ गो देयर वहां कभी मत जाओ नेवर गो देयर ध्यान से सुनो लिसन केयरफुली ध्यान से मत सुनो डोंट लिसन केयरफुली दूसरों की मदद करो हेल्प अदर्स दूसरों की मदद मत करो डोंट हेल्प अदर्स दिस इज जो तीन एडवर्ड मैंने यूज करी एक नेवर है ऑलवेज है सेल्डम है इन सबके साथ आप वॉप की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऐसा बना सकते हो मैंने कहा वहां कभी मत जाओ तो नेवर गो देयर वहां हमेशा जाओ ऑलवेज देयर वहां कभी 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 कभार जाओ सेल्डम देयर जो आपको लगाना आप लगाओ अक्सर जाओ वहां often go there, you know? तो इस तरीके से जो भी आपको लगाना हो लगाओगे तो नेवर का मतलब क्या होगा कभी मत ऑलवेज लगाओगे तो ऑलवेज का मतलब क्या होगा हमेशा मैंने कहा हमेशा सच बोलो ऑलवेज स्पीक ट्रथ कभी भी झूठ मत बोलो नेवर स्पीक नो सो दिस इज द इसके बाद लेट्स लेट्स का मतलब हो जाता है आओ हम चलो हम आओ हम चलो हम लैंग्वेज इंग्लिश को समझने के लिए द बेस्ट वे दैट आई पर्सनली बिलीव इज ओनली योर प्रैक्टिस द वे यू प्रैक्टिस द वे यू मेक सेंटेंसेस बिकॉज रिमोबर वन थिंग बाय लर्निंग फ्यू सेंटेंसेस इफ यू थिंक यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली सो दिस इज नॉट पॉसिबल इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड कमांड एंड वॉन्ट टू बी गुड इंग्लिश स्पीकर देन यू मस्ट नो द प्रोसेस Because process will help you to make more and more sentences. But if you are cramming few sentences and believe that you are going to be con confident English speaker by using few sentences, so this technique will not work. And that is why I never believe in teaching in shortcut way. मैं कभी भी shortcut way में student को नहीं सिखाता क्योंकि मेरा समान्य है shortcut English से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कुछ sentences बोल लोगे लेकिन confidently English तभी बोल पाओगे जब आ वेल प्रैक्टिस रहोगे जब आपको पता होगा सेंटेंस बनते में, आपको, आपको, कम से कम 20 से 20, आपको बनाना है अब इन सबके सेंटेंसेस बनाने के बाद में आपको दूसरा काम क्या करना पता है इनके साथ में कॉजिटिव अब लगानी है पॉजिटिव अब कैसे लगानी है देखिए सबसे पहले आप की लगाइए की प्लस वॉब में आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट करते रहो जो भी काम आपसे करने के लिए कहा जाए करते रहो ठीक है करते रहो तो मेरा आशय क्या है बताइए मैंने कहा बोलते रहो क्या कहा मैंने बोलते रहो तो क्या कहेंगे हम कीप स्पीकिंग बोलते रहो कीप स्पीकिंग लिखते रहो कीप राइटिंग जो भी वर्ब लगाओगे जैसे मैंने कहा लिखो तो क्या कहेंगे राइट लेकिन लिखते रहो तो कीप राइटिंग तो यहां पर हमने एक कॉजेटिव वर्ब जो है वो कीप लगा दी इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने कहा सुनते रहो कीप लिसनिंग गाते रहो कीप सिंगिंग कुछ नया करते रहो कीप डूइंग समथिंग न्यू मुस्कुराते रहो कीप स्माइलिंग हंसते रहो कीप लाफिंग आप कहोगे सर आप पढ़ाते रहो हम पढ़ते रहेंगे क्या बोलोगे इंग्लिश में सर यू कीप टीचिंग और हम सीखते रहेंगे वी विल कीप लर्निंग ठीक है सर यू कीप टीचिंग एंड वी विल कीप लर्निंग लिखते रहो रुको मत कीप राइटिंग डोंट स्टॉप जब तक कि मे न कहू रुकने के लिए एंटिलाइज से टू स्टॉप प राइटिंग डू नॉट स्टॉप अंटिल आई से टू स्टॉप जब तक कि मैं ना कहूं आपसे रुकने के लिए बोलते रहो रुको मत जब तक कि मैं न कहूं आपसे रुकने के लिए कीप स्पीकिंग डोट स्टॉप अंटिल आई से टू स्टॉप ये नो सो दिस इज द वे टू आंसर डर स्टूडेंट्स आप जब तक समझोगी नहीं तब तक आपको चीजें कॉम्प्लीकेटिव लगती रही और जहां चीजों को समझ गए आप ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे और जहां आपने अच्छा फील करना स्टार्ट कर दिया वहां मेरा काम हो गया ठीक है और मैंने अपना जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गया और मेरा काम हो गया कीप जो है इसके बाद में एक अगली पॉजिटिव वर्ब लगती है स्टार्ट स्टार्ट के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट कोई भी काम करना शुरू करो या फिर करने लग जाओ उसके लिए आपका स्टार्ट लगता है मैंने कहा बोलने लग जाओ स्टार्ट स्पीकिंग बोलना शुरू करो स्टार्ट स्पीकिंग लिखना शुरू करो स्टार्ट राइटिंग दौड़ना शुरू करो स्टार्ट रनिंग लिखना शुरू करो स्टार्ट राइटिंग पढ़ाई करना शुरू करो स्टार्ट स्टडिंग सेंटेंसेस बनाना शुरू करो स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस वहां जाना शुरू करो स्टार्ट गोइंग देयर यहां आना शुरू करो स्टार्ट कमिंग हियर दूसरों की मदद करना शुरू करो स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स कुछ नया सीखना शुरू करो स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू से मेरा आशा है कुछ नया सीखना शुरू करो बोलना शुरू करो स्टार्ट स्पीकिंग दौड़ना शुरू करो स्टार्ट रनिंग स्टार्ट रनिंग कम ऑन दौड़ना शुरू करो स्टार्ट रनिंग वहां जाना शुरू करो स्टार्ट गोइंग देर यहां आना शुरू करो स्टार्ट कमिंग ईयर वहां जाना बंद करो अब जिसे ही मैंने बंद करो कहा तो स्टॉप लग जाएगा बंद करने के लिए यूज होता है स्टॉप शुरू करने के लिए होता है स्टार्ट बंद करने के लिए होता है स्टॉप करते रहने के लिए होता है कीप आप ये सारी की सारी की वर्ब को किसके साथ यूज कर रहे हैं अभी सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ आप चाहे तो इसको डोंट के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन अभी सिर्फ आप इसके साथ सीख जाओ फिर मैं आपको डोंट नेवर ऑलवेज सेल्डम लेट सबके साथ सिखा दूंगा लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है आपको इसके साथ इसको यूज करते होना आना चाहिए ठीक है मैंने कहा बोलो स्पीक बोलते रहो स्पीकिंग बोलना शुरू करो स्टार्ट स्पीकिंग बोलना बंद करो स्टॉप स्पीकिंग वहां जाना बंद करो स्टॉप गोइंग उसकी मदद करना बंद करो स्टॉप हेल्पिंग him. सबसे पहले तो हंसना बंद करो यदि इंग्लिश सीखना है तो फर्स्ट स्टॉप लाफिंग इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना शुरू करो स्टॉप मेकिंग sentences. वहां जाना शुरू करो स्टॉप गोइंग देयर यहां आना शुरू करो स्टॉप स्टार्ट कमिंग कमिंग here. Start coming here. सेंटेंसेस बनाना शुरू करो स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस दूसरों की मदद करना शुरू करो स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स क्या कहेंगे हम स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स दिस इज द वे स्टार्ट हेल्पिंग दल्पिंग दूसरों की मदद करना बंद करो स्टॉप हेल्पिंग अदर्स वहां जाना शुरू करो स्टार्ट गोइंग देयर लिखना शुरू करो स्टार्ट राइटिंग बोलना शुरू करो स्टार्ट स्पीकिंग दूसरों की मदद करना शुरू करो स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स सो दिस इज द वे टू वर्क एक्चुअल मैं चाहता हूं कि आप बार 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 और हजार बार इस तरीके से बोले कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिक चीजों को समझना स्टार्ट कर दे आपका ब्रेन खुद कहे यस आई कैन आप सबको बताना चाहूंगा हमारा जो कोर्स है वो कोर्स में भी हम यही इसी तरीके की चीजें पर वर्क कर रहे हैं ये हमने एक नया कोर्स अभी मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉन्च किया दैट नेम इज फाउंडेशन कोर्स और इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स को वो सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं जो उसको दी जानी चाहिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर ये कोर्स अवेलेबल है फाउंडेशन कोर्स जिसका प्राइस कुछ वन सिक्स नाइन नाइन है और ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल है जैसे आपने किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे स्टडी मटेरियल फ्री में चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन परसो इंग्लिश गूगल प्ले स्टोर से निकाले है, है ना और इसके बाद में आपको ये जो थ्री डॉट बने हैं ये ये थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ ये स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन आप इस पर क्लिक करना है तो आपको ये बुक आ, हमारी बुक का पीडीएफ जो है फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएगा ठीक है ना और जिस स्टूडेंट्स को भी लाइव फाउंडेशन कोर्स की जो को क्लासेस भी है ऑडियो ऑप्शन में आपको क्या होता है मुझसे डायरेक्ट बात करने का मिलता है लाइव क्लास के दौरान मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आप यूट्यूब पर लर्न कर रहे हो तो यूट्यूब पर आप कमेंट करते हो कमेंट भी आपका रीड नहीं कर पाता लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है द गुड थिंग इज दैट आपको मुझसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा मतलब आप कोई डाउट पूछना चाह रहे हो ना यू कैन डायरेक्टली आस्क मी दैट इज द ग्रेट थिंग और इसीलिए ये फीचर्स के कारण हम लोग पता कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या कंडीशन है वो कितना ग्रो कर रहा है मैं एवरीडे करीब 20 से 25 फाइव स्टूडेंट्स को बोलने का चांस देता हूं रेगुलरली तो सारे स्टूडेंट को चांस नहीं मिल पाता क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं ना करीब 150 के अराउंड होते हैं एक बैच में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रेगुलरली तो नहीं बट वीकली आपको चांस जरूर मिले चलिए अभी मैं आपको जिस बारे में बात कर रहा हूं वो थोड़ा आप ध्यान दें सभी तो ये था आपका कीप दूसरा था आपका और तीसरा है आपका चौ। 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 स्टॉप चौथी आपकी लेट टी लेट लेट के बाद में जो पर्सन है वो आएगा पर्सन के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये लेट वर्ब दिखाती है किसी काम को करने देना किसी को जैसे आपने कहा मुझे जाने दो सी जब आप किसी से कहो मुझे जाने दो तो आप इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो ये जो पर्सन है कौन लेट मी गो लेट रवि गो लेट निशा कम इन है ना तो इस तरीके से जो भी पर्सन होगा वो लेट के बाद आएगा फिर वो लगेगी अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है इफ somebody इज डिस्टर्बिंग यू सो वट यू वुड से मुझे डिस्टर्ब मत करो मुझे पढ़ाई करने दो आप कहोगे मुझे डिस्टर्ब मत करो डोंट डिस्टर्ब मी लेट मी स्टडी एक बार बोल कर देखो लेट मी स्टडी मुझे जाने दो लेट मी गो मैं लेट हो रहा हूं मुझे जाने दो आई एम गेटिंग लेट लेट मी गो मुझे सोचने दो लेट मी थिंक मुझे कुछ नया करने दो लेट मी डू समथिंग न्यू मुझे सेंटेंसेस बनाने दो लेट मी मेक सेंटेंसेस मुझे टॉपिक पर बोलने दो लेट मी स्पीक ऑन दिस टॉपिक मुझे कुछ इनोवेटिव करने दो लेट मी डू समथिंग इनोवेटिव लेट मी डू समथिंग इनोवेटिव सो दिस इज द वे टू स्पीक जब तक आप इस तरीके से बोलेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा तो ये लेट वाली सिचुएशन है इसके बाद में एक सिचुएशन आपकी जो आती है वो आती है मेक वाली मेक वाली में भी पर्सन आपको लगाना होता है इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये किसी से कोई काम करवाने के सेंस में होता है जैसे मैंने कहा सर मुझसे इंग्लिश बुलवाओ सर मेक मी स्पीक इंग्लिश आप क्या कहोगे सर मेक मी स्पीक इंग्लिश उससे खाना बनवाओ मेक हिम कुक फूड उससे सेंटेंसेस बुलवाओ मेक हिम स्पीक सेंटेंसेस किसी से कोई काम करवाना है तो उसके लिए मेक लगाना है मैंने कहा उसे मत रुलाओ डोंट मेक हिम क्राई उसे रुलाओ मेक हिम क्राय उसे हंसाओ। मेक हिम लाफ मेक हिम लाफ तो जब भी किसी से कोई काम करवाना हो तब ये वाली सिचुएशन अप्लाई करनी है आप देख सकते हैं मैंने कीप स्टार्ट स्टॉप लेट और मेक कितनी पॉजिटिव वर्ब है पांच पॉजिटिव वर्ब को इस अकेले एक सेंटेंस के साथ में यूज करके आपके सामने बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस का पहाड़ लगा दिया नाउ दिस टाइम वट यू हैव टू डू यू हैव टू मेक मोर इन मोर सेंटेंसेस अब आपको जो है आपको जो है जो भी कंटेंट समझना है आपको जो भी चीज करनी है आपको जो भी चीज डिटेल में समझनी है वो सारी की सारी चीजें जो है आपको यहां पर प्रैक्टिस करके अपने आप पर कमांड करनी होगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से आप जो भी करना चाहते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है मैंने कहा उससे इंग्लिश बुलवाओ एक लड़का है मैं वहां पर खड़ा हुआ मैंने कहा उससे इंग्लिश बुलवाओ क्या कहेंगे आप जल्दी बताइए उससे इंग्लिश बुलवाओ क्या कहेंगे बताइए मेक हिम स्पीक इंग्लिश उससे घर का सारा काम करवाओ क्या कहेंगे मेक हिम डू ऑल दी हाउस होल्ड वर्क उससे घर का सारा काम करवाओ मेक हिम डू ऑल हाउस होल्ड वर्क ओके उससे सेंटेंसेस बनवाओ मेक हिम मेक सेंटेंसेस कोई मुझे बताएगा इसमें दो बार मेक क्यों लगा है एक तो सेंटेंसेस बनाने वाला मेक और एक किसी से काम करवाने वाला मेक सेंटेंसेस बनाते रहो बोलो जल्दी फास्ट कीप मेकिंग सेंटेंसेस सेंटेंसेस बनाना शुरू करो क्या कहोगे स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस सेंटेंसेस बनाना बंद करो क्या बोलोगे बोलोग सेंटेंसेस ऐसे मैंने कहा मुझे सेंटेंसेस बनाने दो लेटमी मेक सेंटेंसेस रवि को इंग्लिश सीखने दो क्या बोलोगे रवि को इंग्लिश सीखने दो लेट रवि लर्न इंग्लिश मैं रवि को इंग्लिश नहीं सीखने दे सकता आई कांट लेट रवि लर्न इंग्लिश मैं रवि को वहां नहीं जाने दे सकता आई कांट लेट रवि गो देयर

यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसिस दिस इज द वे टू प्रैक्टिस ये तरीका है ये टेक्निक है प्रैक्टिस करने तो भैया जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक तो आप मिस्टेक करोगे और जब आप समझ जाओगे तब आपके लिए सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीकिंग हो जाएगा स्पीकिंग हो जाएगा कि आसान हो जाएगा आसान हो जाएगा सो ये तरीका है सो ये सारी की सारी चीजें हैं और बेसिकली देखो मैं एक चीज आप सबको बताना चाहता हूं कि आप जब चीजों को समझ के स्टडी करते हो ना तो आपके लिए ग्रामर भी इजी हो जाता है कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि बोलो सर हमको ना ग्रामर समझ में नहीं आता है तो ग्रामर नहीं समझ में आने का एक लॉजिक ये भी है कि आप ग्रामर इसलिए भी नहीं समझते हो कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग फोकस नहीं कर पाते हो चीजों पर है और ग्रामर आपको टफ इसलिए भी लगता है क्योंकि आप ग्रामर को ग्रामर की तरह स्टडी करते हो और मेरा साथ मानना है कि ग्रामर जो है वो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप इस तरीके से स्टडी करो ओके चलिए लेट्स बिगिन द जर्नी ओके नाउ सो बेसिकली आपको ये जितना भी कंटेंट यहां पर दिया है सब कुछ जो है समझने वाला सब्जेक्ट है और इसमें किसी प्रकार की आपको डिफिकल्टीज आनी नहीं चाहिए और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर आप चीजों को समझ के स्टडी कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम ओके अब मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको आगे लेकर चलूंगा वही स्टूडेंट आप समझ पाएंगे जो कि पूरा अटेंशन दे रहा है और ध्यान दे रहा है हाँ जी ध्यान देंगे प्लीज देखिए हम लोग ग्रामर भी पढ़ाते हैं साथ में स्पोकन एक्टिविटीज भी करवाते हैं ग्रामर के लिए हमने एक अलग ग्रामर कोर्स जो है ग्रामर बूस्टर कोर्स एक अलग कोर्स लॉन्च किया है लेकिन स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में आप ये सोच रहे हो कि भाई आपको ग्रामर भी मिल जाए तो आई वुड से कि 30 परसेंट कॉन्टेंट मिलेगा आपको बट 70 परसेंट आपको ग्रामर नहीं मिलेगी 70 परसेंट उसमें स्पोकन एक्टिविटीज होंगी तो एसिस की अगर आप कोर्स को परचेस कर रहे हो तो आ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में आपको स्पोकन का कॉन्टेंट ज्यादा रहेगा चलिए देखिए प्लीज मैंने कहा वहां जाइए गो देर वहां जाते रहिए आपको मेरे साथ बोलना सभी को वहां जाते रहिए कीप गोइंग देयर वहां जाना शुरू करिए स्टार्ट गोइंग देयर वहां जाना बंद करिए स्टॉप गोइंग देयर मुझे वहां जाने दो लेट मी गो देयर मुझसे वहां जनवा ऐसा कुछ तो होता नहीं है लाइक मुझसे सेंटेंसेस बुलवाओ मेक मी स्पीक सेंटेंसेस इसके बाद नेक्स्ट है वहां मत जाओ डोंट गो देयर वहां जाते मत रहो डोंट कीप गोइंग देयर बोलते मत रहो डोंट कीप स्पीकिंग बोलना शुरू मत करो डोंट स्टार्ट स्पीकिंग बोलना बंद मत करो डोंट स्टॉप स्पीकिंग उसे बोलने मत दो डोंट लेट हिम स्पीक और उससे मत बुलवाओ डोंट मेक हिम स्पीक तो आपको बेसिकली क्या करना है सबके साथ में डोंट लगाना है जैसे मैंने कहा उससे इंग्लिश बुलवाओ मेक हिम स्पीक इंग्लिश उससे इंग्लिश मत बुलवाओ क्या कहोगे आप आगे डोंट लगा देना डोंट मेक हिम स्पीक इंग्लिश ऐसे मेक हिम डू ऑल उससे घर का सारा काम मत करवाओ डोंट मेक हिम डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क ठीक है उससे सेंटेंसेज मत बनवाओ डोंक हिम मेक सेंटेंसेस आप जैसे ही लिखा है मत रहो डोंट कीप मेकिंग सेंटेंसेज सेंटेंसेज बनाना शुरू करो स्टार्ट मेकिंग सेंटेस सेंटेंसेज बनाना शुरू मत करो डोंट

अब नेवर में क्या होता है आप नेवर को इस तरीके से समझे कि मैं नेवर में आपको यह बोलना होगा मैंने बोला हुआ, कभी मत जाओ never go there. अब मैंने कहा कभी भी बोलते मत रहो never keep speaking. कभी भी बोलना शुरू मत करो नेवर स्टार्ट स्पीकिंग कभी भी बोलना बंद मत करो नेवर स्टॉप स्पीकिंग कभी भी उसे बोलने मत दो नेवर लेट हिम स्पीक कभी भी उससे मत बोलवाओ नेवर मेक हिम स्पीक अब ऑलवेज लगाना चाहते हो ऑलवेज लगा दीजिए मैंने कहा हमेशा मुस्कुराते रहो क्या बोलोगे हमेशा मुस्कुराते रहो ऑलवेज कीप स्माइलिंग हमेशा दूसरों की मदद करते रहो ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स ठीक है तीसरा हमेशा 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 वहां जाना शुरू करो ऑलवेज स्टार्ट गोइंग देयर हमेशा वहां जाना बंद करो ऑलवेज स्टॉप गोइंग देयर थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन ठीक है तो ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज है ना ऑलवेज स्टॉप गोइंग देयर ऑलवेज स्टार्ट गोइंग देयर ऑलवेज कीप हेल्पिंग है ना तो इस तरीके से ऑलवेज आप जिसके साथ भी लगाना चाहते हो तो उसके साथ लगा दो सुनने में थोड़ा सा वियर्ड फील होगा शिवनाथ साहब बोल रहे हैं सर आप मुझे आंसर नहीं कर रहे हो भाई मैं आपको नहीं किसी को ही नहीं आंसर कर रहा हूं ठीक है ना क्योंकि अगर मैंने आंसर किया आप सभी को तो हाँ फाउंडेशन कोर्स में मैं ही पढ़ा रहा हूं अगर मैंने सबके क्वेश्चंस के आंसर किए तो आ, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा और काफी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा इसलिए देखिए कोई बात नहीं इसी तरीके साथ लेट्स जो है, इसके साथ भी सारी सारी चीज यूज कर सकते हैं तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंसेस को बनाना है अब मैं आपसे बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछ रहा हूं जिनकी आपको इंग्लिश बनानी है मैंने कहा हमेशा सोचो और फिर बोलना शुरू करो बताइए क्या बनेगा हमेशा पहले सोचो, तो फिर बोलना शुरू करो चलिए अब आपको ऑप्शन लिख रहा हूं मैं दो तीन ऑप्शन लिख रहा हूं इनमें से एक सही होगा आपको बताना कौन सा सही है ऑलवेज फर्स्ट थिंक देन Start speaking. Number one Always first think, then start speaking first, always think. देन स्टार्ट स्पीकिंग चलिए बताइए कौन सा वाला सही है इसमें ए बी सी तीन ऑप्शन है आपके पास टीवी देखते रहो और समय को बर्बाद करो यदि समय को बचाना है तो टीवी देखना बंद करो एबीसी में से कौन सा वाला सही है <coughs> कुछ लोग तो बोल रहे हैं ऑल आर राइट अरे सभी सही नहीं है आप पहले सेंटेंस को देखो सेंटेंस व्हाट द सेंटेंस इज ऑल अबाउट हमेशा पहले सोचो हमेशा पहले सोचो ठीक है और फिर बोलो और सिर्फ फिर बोलना शुरू करो देखिए इसमें एक और ऑप्शन ले लो वो ऑप्शन ये होगा ऑलवेज थिंक फर्स्ट देन स्टार्ट स्पीकिंग ठीक है और भैया तीनों ऑप्शन नहीं है ए डी वाला सही है क्योंकि देखो एक ऑलवेज एडवर्ब है दूसरा फर्स्ट जो है ये भी आपका एडवर्ब है

और वैसे इन केस अगर आप देखोगे देखोगे तो ये भी आपका सही है कौन सा बी वाला हमने ये एडवर्ब को दोनों को आगे रख दिया है और फिर उसके बाद थिंक को लिखा है तो पहली एडवर्ब ऑलवेज आगे आ जाएगी दूसरी एडवर्ब फर्स्ट जो है थिंक के बाद में चला जाएगा ऐसा तो थोड़ा सा सही लगेगा और तार्किक लगेगा है ना चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाँ अभी इधर ध्यान दो आप टीवी देखते रहो और समय को बर्बाद करते रहो क्या बनेगा इंग्लिश में देखते मतलब, टीवी देखते रहो मतलब कीप वॉचिंग टीवी एंड समय को बर्बाद करते रहो एंड कीप वेस्टिंग टाइम आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कीप वॉचिंग टीवी एंड ये जो कीप है इसको आप स्केप भी कर सकते थे आप डायरेक्ट टीवी लिख सकते थे कि कीप वॉचिंग टीवी एंड वेस्टिंग टाइम अब आप कहोगे सर वो किब को क्यों हटा दिया जब सिमिलर वर्ब दी हो दो सेंटेंसेस में तो पहली वर्ब को लिख दो दूसरे को लिखने की नीड नहीं है तो की वॉचिंग टीवी एंड वेस्टिंग योर टाइम यदि समय को बचाना है इफ वॉन्ट टू सेव टाइम अब आप कहोगे सर इफ वॉन्ट टू सेव टाइम में तो सब्जेक्ट लिखा ही नहीं यदि समय को बचाना है से आशा है कि यदि आपको समय को बचाना है तो उसमें यू गायब था तो हमने यू लिखा भी नहीं लेकिन आपको लिखना है पूरा लेकिन शॉर्ट जो लैंग्वेज होती है आजकल स्पोकन में जो बोली जाती है उसमें इफ 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 वांट वांट डायरेक्ट के बाद वांट आ जाता है वांट टू सेव टाइम इफ वांट टू तो सेव टाइम तो इफ, तो इफ यू वांट टू तो सेव टाइम ऐसा भी लिख सकते हो तो टीवी देखना बंद करो कॉमा तो के लिए कुछ नहीं लगाना कॉमा लगेगा स्टॉप वेस्ट वॉचिंग टीवी स्टॉप वॉचिंग टीबी सो दिस इज द थिंग एक्चुअली दैट यू गाइज है देखना बंद करो सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे आपको चीजों को समझना होगा क्योंकि जब तक समझोगी नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी और जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कोई चीजें क्लिक भी नहीं होंगी तो बेसिकली ये सारा का सारा खेल इसी का है चलिए अभी मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के दूसरे पड़ाव पर ले चलता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस को कमर करने के बाद में आपको ये तीन चीजों पर कमांड करना है पहला वॉट डू यू डू डेली आप रोज क्या करते हैं वॉट डिड यू डू डेली आपने कल क्या किया और सॉरी वट डिड यू डू यस्टरडे आपने कल क्या किया तीसरा वॉट विल यू डू टूमारो कल आप क्या करोगे है ना तो ये इस तरीके से तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है वॉट डू यू डू डेली आप रोज क्या करते हैं तो जो काम आप करते हैं आई अप अर्ली इन द मॉर्निंग मैं सुबह जल्दी उठता हूं देन आई ब्रश माई टीथ फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं देन आई गेट रेडी टू गो टू मॉर्निंग वॉक फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार होता हूं तो जो जो काम आप करते हैं वो सारी सिचुएशंस आपको इसमें बतानी है जो जो करते हैं आप है ना इसके बाद जो आपने किया यस्टरडे इट वॉज संडे या सैटरडे आई वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग लेट इन द मॉर्निंग वेकअप की सेकेंड फॉर्म वोकअप हो जाएगी ऐसे ही टुमारो क्या करोगे तो टुमोरो इट विल बी मंडे आई विल वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग ओके आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के बीच में बैलेंस करना है ये तीनों सिचुएशंस को बोलकर यू सिंपली हैव टू से दीस थिंग्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन बैलेंस अमंग प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस बिकॉज़ व्हाट वी हैव सीन दैट स्टूडेंट्स मेक मेजर मिस्टेक्स व्हाइल टॉकिंग व्हाइल स्पीकिंग ऑल दिस थिंग्स एंड दैट इज व्हाई वी इंसिस्ट कि भाई आप अगर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो बैलेंस कर पा रहे हो तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान राइट right? तो आप इसको बोलने की प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ये आपको बहुत हेल्प करेगा तीसरा इंग्लिश जल्दी सीखने के लिए आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए ठीक है ना सेल्फ इंट्रोडक्शन से मेरा आशा है आप अपना नाम आपका क्वालिफिकेशन आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है योर फ्यूचर प्लान जो आप करने वाले हो, लाइक यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड नाउ वट्स योर प्लानिंग आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट विल यू डू दैट यू मस्ट नो आपके ड्रीम एंड अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं इसके बाद आता है फैमिली बैकग्राउंड फिर आती है आपकी हॉबीज कुछ जगह पर फैमिली बैकग्राउंड को स्किप करना होता है वहां पर सेल्फ इंट्रोडक्शन में फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना होता फिर हॉबीज आती है फेवरेट थिंग्स कलर डिश यू नो प्लेसेस तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में रखनी होती है तो ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है ये आप अच्छे से वेल well प्रिपेयर करें इसके बाद आता है वन टू वन वन टू वन कम्युनिकेट करने के कुछ आइडियाज देखो वन टू वन कैसे किया जाता है मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक पूरा कंटेंट हमारी बुक में डिटेल में दिया है आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए वो ले सकता है इसको ये कंटेंट को आप वन टू वन प्रैक्टिस करेंगे अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है देखिए इसमें क्या प्रैक्टिस करना होता है बेसिकली वो चीज मैं बता रहा हूं जो काम की आपकी वही बताऊंगा देखिए आपको ये क्वेश्चन दे दिए हमने यहां हम पर आपको पता है क्या करना है इन सारे क्वेश्चन को सिंपली आंसर करना है यह वन टू वन की कैटेगरी में आता है अगर आपसे पूछा मैंने हाउ आर यू तो आप कहेंगे सिंपली आई एम फाइन आई एम गुड आई एम ग्रेट आई एम डूइंग वेल व्हाट इज योर नेम वॉट एवर नेम यू हैव व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड नेवर से माय क्वालिफिकेशन इज जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड दैट ये सारी चीजें आपकी होती हैं व्हाट डज योर फादर डू आपके पिताजी क्या करते हैं बताइए आप ई फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर माई फादर इज इंजीनियर जो भी है हाउ मेनी फैमिली में हाउ मेनी ब्रदर्स है आपके वॉट आर यूर हॉबीज देखो वट इज योअर हॉबी होगा एंड वॉट आर यूर हॉबीज होगा अगर आर लगाओगे तो हॉबीज आएगा इज लगाओगे तो हॉबी आएगा तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आगे ले चलता हूं मैं आपको च इज ये नेटिव प्लेस आपके नेटिव प्लेस कौन सी है फ्रॉम वेर योर ट्वेल्थ क्लास आपने अपना ट्वेल्थ क्लास कहां से कंप्लीट किया है हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट इन ट्वेल्थ क्लास हैव यू गॉट जीओटी कर लेना इसको आपने ट्वेल्थ क्लास में कितने परसेंटेज बनाए मान लीजिए आपने ट्वेल्थ क्लास में नाइनटी सिक्स परसेंटेज बनाए तो आप क्या कहोगे आई हैव गॉट नाइंटी सिक्स परसेंटेज इन ट्वेल्थ क्लास आई हैव बीन द डिस्ट्रिक्ट टॉपर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूं या रही हूं लाइक like, वट इज योर गोल नाव आपका जो भी गोल है जैसे अभी आपका गोल है टेंप्ररी कि भाई मुझे इंग्लिश सीखना है तो आप क्या कहोगे माई गोल इज टू लर्न इंग्लिश नाउ क्या कहेंगे आप बताइए माई गोल इज टू लर्न इंग्लिश नाउ वॉट आर यू डूइंग फॉर योर गोल आप अपने गोल के लिए क्या कर रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं आपने कहा कि

ये आपकी जर्नी है जो आपने यहां से स्टार्ट करी और आपको यहां पहुंचना है ये आपकी लाइफ का एम एम होगा तो एम तक पहुंचने के लिए ये जो आपके पड़ाव है। ये पड़ाव आपके जो होंगे वो आपके गोल होंगे इन गोल्स को आप अचीव करते करते आगे बढ़ेंगे कहां पर अपने अल्टीमेट एम की ओर ठीक है ना और अल्टीमेट एम जो हमारी लाइफ का हमेशा होना चाहिए वो होना चाहिए क्या इट शुड बी टू बी अ गुड ह्यूमन बींग एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा मुझे लगता है कि लाइफ का एम होना चाहिए क्योंकि अगर अच्छा इंसान बन जाते हैं तो ऑब्वियसली आप वो चीज को अचीव कर लेते हैं जो आपको चाहिए होती है इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेर विल गो फॉर फर्दर स्टडीज आप आगे पढ़ाई के लिए आ जाओ कहां जाओगे इन विच कॉलेज है इसके बाद वट डू यू वॉन्ट टू बिकम आप क्या बनना चाहते हो वेर डू यू गो इन यो लेजर टाइम आप खाली समय में कहा जाते हो विच इज येवरेट प्लेस आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है वाई डू लाइक दिस प्लेस मोस्ट आप इस प्लेस को ज्यादा क्यों पसंद करते हो वट इज योर गुड हैबिटिट आपकी अच्छी आदत क्या है वट इज योर बैड हैबिटिट आपकी बुरी आदत क्या है वेर आर यू आप कहाँ हो विथ हु आर यू इन कॉलेज आप कॉलेज में किसके साथ हो वाई आर यू सेंग दिस सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ परसोना इंस्टीट्यूट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट मैं मेंशन यू नो ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है है ठीक और ये study, ये स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश प्ले स्टोर पर आप टाइप करोगे परसोना इंग्लिश तो ये आपको मिल जाएगा ये आपके एप स्टोर पर भी है एप्पल के है ना दोनों पर अवेलेबल है इसके बाद में इसमें आपको स्टडी मटेरियल वाला एक ऑप्शन मिलेगा है ना तो <coughs>

जिसमें अभी तक 10 से 12 क्लासेस आई थिंक हो चुकी है है ना और वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है जो कि आपको 15 मंथ तक आपकी डिवाइस में रहेंगी 15 महीने तक मतलब अगर आज आपने कोर्स परचेस किया है तो 2024 के अगस्त सितंबर तक आपकी डिवाइस में कोर्स रहेगा राइट तो ये सबसे अच्छी बात है तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी और जिन्होंने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया भाई कर लेना एप्लीकेशन आपको आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें जितने भी पर्सनल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग नोटिफिकेशन होते हैं वो मिलते रहते हैं आपको और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं ये बहुत बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है करीब पचायासी हजार से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से तो इससे आप जुड़ सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है स्पेशली जो कि मैं एक्सेस करता हूं बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर टीम के हैं सागर सर आपका नंबर भी बता दीजिए 8808. इसके अलावा इन केस कभी मान लो ये दो नंबर से रिसीव आपको कॉल रिसीव नहीं होता तो सागर सर का नंबर है नाइन वन 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 सिक्स नाइन एट जीरो एट इस नंबर से भी आपको हेल्प हो जाएगी है ना बाकी मुझे मुझसे कांटेक्ट करना तो मेरा पर्सनल नंबर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं तो ये नंबर जो है ये जो ईमेल एड्रेस है इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं क्योंकि ये मैं डेली चेक करता हूं चलिए मैं अभी आपको क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं और उन स्टूडेंट्स के नाम रिवील कर रहा हूं जिनको हम पीडीएफ देने वाले हैं तो मेरे पास बस वो नाम जस्ट आने ही वाले हैं ओके तो भाई जिन जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिला है उन स्टूडेंट में सबसे पहले हैं रोहिणी मल्होत्रा रोशनी मल्होत्रा सॉरी रोशनी मल्होत्रा जी आपको चांस मिला है ठीक है रोशनी मल्होत्रा दूसरे नंबर पर है आपके इशरत सुल्ताना इशरत सुल्ताना ओके अगर आप अभी क्लास में हैं तो थैंक यू सर लिख दें टीम आपको प्रेस कर लेंगी हरिओम भारद्वाज हरिओम भारद्वाज हरिओम भारद्वाज के बाद नेक्स्ट जो है वो है चंदन यदुवंशी चंदन यदुवंशी नेक्स्ट है यदुवंशी लिखा है ना और लास्ट है यास्मीन आरा यास्मीन आरा ए आर ए ठीक है तो ये पांच स्टूडेंट्स हैं जिनको कि इस बार पीडीएफ मिला है और एक बार और मैं इसमें नाम रिवील करना चाहूंगा सबको नहीं मिलता है भाई कोई फिफ्टी पांच स्टूडेंट को हर संडे हम लोग पीडीएफ देते हैं तो ये स्टूडेंट्स में है रोशनी मल्होत्रा एशा सुल्ताना हरिओम भारद्वाज चंदन यदुवंशी और और ये जो भी कंटेंट मैंने आज आपको पढ़ाया है ना ये सारा कंटेंट अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा कैसा हमको एज इट इज मिल जाए तो ये पूरी की पूरी स्लाइड हम लोग शेयर कर देंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ठीक है अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ टेलीग्राम ग्रुप का नाम है परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश और इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्टेंट जो है मिल जाएगा ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करना होगा ये रहा टेलीग्राम ग्रुप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश इसका नाम है जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो इस नाम से सर्च करना परसोना आई एन एस टी आई टी यू टी इंस्टीट्यूट एफ को कैपिटल लिखना फॉर ई एन जी एल आई एस एच हमारे कुछ लोगों ने जो है फेक ग्रुप भी बनाकर रखे कुछ स्टूडेंट ने वो हमारे कम्युनिटी के नहीं है आ, हमारी टीम से नहीं है वो कोई बाहर के लोग हैं लेकिन उन्होंने परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश के नाम से बना के रखे लेकिन उसमें इतने मेंबर नहीं है हमारे इसमें आपको करीब एट्टी थ्री थाउजेंड प्लस में बच्चे एड ऑन मिलेंगे इससे ज्यादा संख्या में अगर बच्चे दिखें तो ही उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है क्योंकि वो हमारा ग्रुप है तो ये कंटेंट उसमें भी अभी हम अवेलेबल करवा देते हैं और बिल्कुल आप लोग जो हैं अच्छे से अच्छा क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं आपकी पूरी मदद कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स ये लगता है कि सर मुझे तो कोई कोर्स परचेस नहीं करना यूट्यूब की मदद से सीखना दोस्त डोंट वरी मैं सैटरडे और संडे क्लास आप लोगों की लाइव लेता हूं कल चूंकि बहुत अर्जेंट वक्त था सो आई कुड नॉट टेक द क्लास इज बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई एम श्योरली गोइंग टू टेक योर क्लासेस ऑन सैटरडे एंड संडे सो डोट वरी मैं आपको साथ हूं पूरी हेल्प आपको करूंगा पूरे तरीके से सारी चीज आपको बताऊंगा तो चलिए आज आजकल इतनी काफी है मैं मिलूंगा आपको कब अगले सैटरडे को और कल अगेन सेवन थर्टी को हम लोग मिल रहे हैं कहां पर फाउंडेशन कोर्स में कल मैं सेवन थर्टी को फाउंडेशन कोर्स की लाइव क्लास लेने वाला हूं ठीक है तो जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स को परचेस करना चाहता है बिल्कुल आ जाओ मैदान में आपको अगर ऐसा लगेगा कि भाई कोई क्लासेस आपकी मिस हो गई है तो टेंशन बिल्कुल मत लो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है जिनको आप बाद में भी देख सकते हो थ्रू आउट द ईयर आपके डिवाइस में रहेगी आपको बिल्कुल भी टेंशन उस चीज का नहीं लेना है कि नहीं सर मेरी तो दस, दस बारह क्लासेस छूट गई अब मैं कैसे सीखूंगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का सारी क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल है उनको आप बाद में भी देख सकते हैं चलिए मैं आपसे मिलता हूं कब अगले सैटरडे को टिल देन टाटा गुड नाइट टू तो ऑल डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल मजे के साथ रहे चैनल पर सब नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो क्योंकि यार शानदार जानदार कंटेंट अगर आपको इंग्लिश स्पोकन पर कहीं मिलेगा तो दैट इज ओनली यूट्यूब चैनल परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश चलिए मिलता हूं मैं आपको कब अगले सैटरडे को टिल देन टाटा गुड नाइट टू तो ऑल जय हिंद